महज 700 रुपए के पिछे इको कमरे च रहन वाले दो दोस्तों विच्चों एक दोस्त ने दूजे की गल घोट के हत्या कर दी। जी हाँ, ये दोनों ही लुधियाने के नज़दीक आलमगीर पिंड विच रहिंदे सन। इको कमरे च ये दो दोस्त उदय बहादुर ते शंकर बहादुर दोनों मूल रूप तो नेपाल के रहन वाले, लेकिन इकट्ठे इत्थे वॉचमैन का काम करते सन और कमरे च किराया बचाने लिए सांझे तौर पर इकट्ठे रहिंदे सी। शंकर बहादुर ने किसी समय उदय बहादुर को कुछ पैसे उधार लै लए ते बीती रात जदों श्री दे विखे ठेके दे कोल ये दोनों दोस्त इकट्ठे बैठ के शराब पी रहे सन तां पैसों के लैन देन नूं लैके इन्हां दी आपस च बहसबाजी हो गई। उदय बहादुर ने शंकर बहादुर नूं कहा कि तू मेरे वैसे भी पैसे उधार लए हुए वापस करने हन, इस करके ऐतकी दा मेरा हिस्से दा 700 रुपया किराया वाला तू भरेगा। महज 700 रुपए के पिछे इन्हां दी आपस च इन्नी क बहस हो गई, लड़ाई हो गई, गुत्थम गुत्था हो गए, हथों पाई हो गए कि शंकर बहादुर ने उदय बहादुर का गल घोट के उस तो बाद उदी लाश नूं सरीन दे ही पिंड दे विच किसी खेतां च सुट दिता। ये घटना 2 जून की है। उस तो बाद शंकर बहादुर डर के मारे आप भी कमरा छड़ के भज गया। जदों 4-5 दिनों तो बाद उदय बहादुर दे भांजे ने उन्हें फोन कॉल करने की कोशिश की, उस रिश्तेदार ने उसे कॉल की तो वह फोन बंद आया, जिस तो बाद उसका भांजा उस कमरे च गेड़ा मारन गया। तुहानू पता लग्या कि फोन तो बंद है ही है, तो पिछले 5-6 दिनों तो उदय बहादुर आप भी गायब है। इस तो बाद उन्हें डेलो पुलिस में जाके संपर्क किया, क्योंकि डेलो पुलिस को एक डीकंपोज्ड बॉडी अणपछाती लाश कुछ दिन पहले मिल चुकी थी। सो कितना कितने कड़ी ना कड़ी जुड़ी और उस तो बाद भांजे की शिकायत पर डेलो पुलिस ने फिर अपना ट्रैप बिछाया और उस तो बाद जाके शंकर बहादुर को गिरफ्तार किया गया। तो शंकर बहादुर मन गया कि वह डर के मारे कमरा छड़ के भज गया सीगा, क्योंकि उसके कोलों गुस्से दे विच उदय बहादुर का गल घोट के उसनों मार दिता गया। शंकर ने कहा कि मैं जो 700 पिछे पहला उदय ने उस नाल हथोपाई शुरू की, लेकिन वह ओवरपावर कर गया और फिर उदय आप ही मारिया गया। सो फिलहाल हुण वह पुलिस कस्टडी च है, पर सोचने वाली गल यह है कि महज 700 रुपए के पिछे इको कमरे च रहने वाले दो दोस्त किस तरह एक दूजे की जान के दुश्मन बन गए और गुस्से विच लिया गया एक ओह कदम हुण सारी जिंदगी जेल दियां सलाखां दे पिछे जिंदगी कटाएगा।